Hello, students. This video is related to the English literature class seven. Today, I will explain you chapter mm -hmm. three, Rani Kheed Gift. May you all help, all have learned all the glossary of it. Now, I will explain you the chapter Rani Khet Gift. It's a very beautiful story mm -hmm. telling by the Rudrani Ghosh. She was a really a very creative and effective writer. Just टैंड चैप्टर द डल नाइट ऑन द फ्रोस्टेड ग्लास ऑफ द डोर न्यू डे द डल नाइट ऑन द फ्रोस्टेड मीन अ कवर्ड विद आइस हेरोल्डेड व्हाट्स अ मीनिंग ऑफ इट अनाउंसड मींस अ डल नाइट एक हल्की सी डल नाइट फ्रॉस्टेड ऑन द फ्रॉस्टेड ग्लास आइस से भरी हुई ग्लासों के ऊपर जो डोर के ग्लास थे जो डोर के शीशे थे उनपे जो आइस जम रही थी उसकी वजह से एक डल नाइट जो आ रही थी एक धीमी सी रोशनी जो आ रही थी डल नाइट डल नाइट ऑन द फ्रॉस्टेड ग्लास ऑफ द डोर अ न्यू डे एक न्यू डे की अनाउंसमेंट कर रही थी हेराल्डेड कर रही थी वॉट्स व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इट वॉट्स द मीनिंग ऑफ दिस लाइन What we are seeing, the beauty which we can see over the glass of the door as covered with the eyes, just we announced about the dull night of that day. The peak, a peak outside presented the picture of an uncovered sky. A peak outside presented a picture of an overcast sky with. टॉल लूमिंग पाइन्स स्टैंडिंग मोशन लेस अवेटिंग द अटैक फ्रॉम अब अक आउटसाइड अपड प्रचर जो जो प्रेजेंट था जो प्रेजेंट कंडीशन थी उसको देखते हुए हम एनाइज कर सकते थे द पिक्चर किस चीज के लिए अ पिक्चर ऑफ एन ओवरकास्ट स्काई एक पूरे भरे हुए ओवरकास्ट मीन इज कवर्ड स्काई की पिक्चर को हम देख सकते थे विथ टॉल विथ टॉल लूमिंग पाइंस स्टैंडिंग मोशनलेस कैसे देख सकते थे जो पाइंस uh, ट्रीज थे ये लूमिंग लूमिंग में से शाइनिंग करते हुए उभरते हुए uh, पूरी तरह से मोशनलेसली खड़े हुए थे बिना किसी मोशंस के खड़े हुए थे अवेटिंग द अटैक फ्रॉम अबब जैसे कि वो इंतजार कर रहे हो जैसे उन उनपे कोई अटैक करने वाला है इसलिए वो बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस लाइन व्हाट्स द कंडीशन प्रेजेंटेड ओवर देयर लाइक द स्काई वाज कवर्ड विद द क्लाउड्स एंड पाइन ट्रीज वॉज स्टैंडिंग विदाउट एनी मोशन एज लाइक दे आर वेटिंग फॉर एनी अटैक एज द सेम वे देवर दे ऑल वॉज स्टैंडिंग ओवर द कंडीशन

अनलिस्ड कर दिया फैला दिया चारों तरफ रेन्स को एंड डाउन इट केम विथ फुलरसिटी और फिर वो एक फ्रॉसिटी उग्रता के संग आने लगी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस लाइन व्हाट वी कैन से अबाउट दिस लाइन इज दैट एंड सडनली द रेन स्टार्ट टू बी स्प्रेड ऑल ओवर द एनवायरमेंट जस्ट वी नॉइज और अ क्लैप ऑफ द थंडर एंड ऑफ And within a few um, minutes, it's just we take a condition as a frosty in all over the environment. The monsoons had arrived in Ranikhet. It's a symbol of what? It's a symbol of the monsoon had arrived. Monsoon po tha where? It's had arrived in Ranikhet. In Ranikhet, the monsoon had arrived. It was a wonderful sight. The water gushing and Gurgling down the slope, the trees swaying and the leaves dancing in myth to the accompaniment of the now roaring wind and the orchestra tin din of the pounding rain uh, pounding rain on the tin roof of our bungalow. It was wonderful sight. Whatever they all were seeing that was so beautiful. It looked beautiful. The water gushing. वॉटर क्या कर रहा था गश कर रहा था वॉट द मीनिंग ऑफ गश इज झूके ले रहा था जस्ट वी मूव मूवड फ्रॉम हेयर टू देयर एंड गार्गलिंग फ्रॉम द डाउन द स्लोप और नीचे जो स्लोप थे जो कीचड़ के की गड्ढे थे उनमें वो गार्गल कर रहा था जस्ट वी वॉइज इज कमिंग जस्ट लाइक अ गार्गल वायल द रेन वॉज फोरिंग ऑन इट द ट्रीज स्वइंग एंड द ट्रीज वॉज स्वइंग जो ट्रीज थी वो झूल रही थी एंड द लीव डांसिंग इन मिर्थ टू दिनमेंट और जो लीव्स थी वो एक मिथ के संग एक खुशी के संग एक हैप्पीनेस uh, के संग डांस कर रही थी अकम्प्लेनिंग सॉरी अकम्पनमेंट मीनसेस साथ में ऑफ द नाउ रोरिंग विंड उस जो रोरिंग विंड थी गर्ज, गर्जना करती हुई जो विंड थी हवा थी उसके संग वो डांस कर रही थी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टिल इट द वॉटर द साइट वाज सो ब्यूटीफुल द वॉटर वाज गशिंग एज लाइक इट इज गशिंग और इट्स जस्ट मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर एंड देर वाज द साउंड ऑफ द गार्गिल ऑल दे वी ऑल कैन हियर्ड इन द स्लोप विच वॉज इन डाउन एंड द ट्रीज just to be moving uh, like a swing as they all were swing, swing and the leaves dancing and the leaves just to be looking as they are dancing with a happiness with the sound of the roaring in a wind and the orchestra din of the pounding rain on the tin roof of our bungalow. The writer is saying in her bungalow, द uh, the rain द रेन जस्ट वी dropped on the roof there was a ऑर्गेस्ट्रा just like अ ऑर्केस्ट्रा साउंड शी she शी we uh, feel फील uh, in such a condition जब उसके बंगलों पे हमारे बंगलों पे बूंदे पड़ रही थी बारिश की आवाजें आ रही थी तो वो एक ऑर्केस्ट्रा की तरह शोर कर रहा था डिन कर रहा था शोर कर रहा था वी हैव टू डाइव इन

हिल्स इज द सम काइंड ऑफ द वाइट वाइट स्टोन्स लाइक अ व्हाइट स्टोन्स ओके तो जस्ट इट्स लुकिंग लाइक अ व्हाइट स्टोन्स मार्बल जस्ट केम डाउन डेसिंग डाउन टू अर्थ अर्थ पे गिरते चले गए और उसने कवर कर दिया पूरी तरह से द लॉन इन द वाइट ग्रेवल पूरी तरह से उस ग्रेवल से उन कंकड़ो से पूरा मैदान कवर हो चुका था मींस द नॉइज ग्रो लाउडर जो आवाज थी विंड की वो गर्जर थी डेट वॉज कंटिन्यूसली बीकम लाउडर टू लाउडर एंड द सडनली दडनली दस्ट बी कम डाउन इन एंड द ग्राउंड जस्ट लुकिंग लाइक का वाइट कवर्ड एज लाइक इट्स कवर्ड विद द वाइट ग्रेवल जो वाइट ग्रेवल से कवर हो चुकी थी इट रेन्ड ऑफ़ फॉर अ कपल ऑफ आस एंड देन अ डिसेंडेड ओवर द हिल्स इट रेन्ड इंक्रीजेंटली बारिश लगातार होती रही इनक्रेंटली मीन्स इज कंटिन्यूसली फॉर अ कपल ऑफ आज बहुत घंटों तक बारिश लगातार होती रही द हिल uh, और फिर सडनली एकदम शांति हो गई ओवर द हिल मतलब हिल से उतरते हुए वो लगभग शांत हो गई देन आ सडन काम ओवर दिल फिर लगभग इट जस्ट वी क्वाइट काम आफ्टर सम टाइम The distance mountains could द डिस्टेंस माउंटेन्स कुड नो लॉन्गर वी सीन एंड निदर वॉज दाथवे एट द फूट ऑफ visible. हिल दिस्टेंस माउंटेन्स दूर दूर तक के माउंटेन्स बहुत दूर तक के माउंटेन्स को देखा नहीं जा सकता था और न ही विंडिंग पाथ जो रास्ता था हमारे आने जाने का हिल, uh, visible, uh, पे वो भी विजिबल नहीं था Means is the distance uh, they are unable to see from a distance all the mountains what uh, they before can see in such a condition, such an environment. But right now they are unable to watch these all things. And they are also unable to find the way of moving a pathway where they should go or they should move. The temperature had dropped.

considerably